सरकार इतना खुश क्यों लग रहे हैं? वो भी इन पुलिस वालों के साथ होने पर। तजुर्बा तो यही कहता है कि इन्होंने कुछ बुरा करने की योजना बनाई है किसी के साथ। बताता हूँ। हरिओम। सब कुछ बताता हूँ कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। आज का दिन मेरे लिए विशेष है। आज न केवल मैं चार अपराधियों को दंड दिलवाऊंगा, बल्कि कौन सा ऊंट पहाड़ के नीचे आया है ये भी दिखाऊंगा। वो देखो, ध्यान से देखो इन्हें। इन्हें लगता था कि ये मुझसे ऋण लेकर लौटाने से बच जाएंगे। और इन्हें बल कौन दे रहा था? कौन? वो पाखंडी, वो फकीर। आज सब देखेंगे कि वो मेरे सामने कितना दुर्बल है, निर्बल है। अरे सुनिए, ये राघव वर्दी का घर कहाँ पड़ेगा? राघव जी, उसका अपना घर बचा ही कहाँ है? कुलकर्णी सर का तो गुलाम बन गया है वो। गुलाम जी? लेकिन आप राघव के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनको तो आज चावड़ी ले जाया गया है। शायद आज राघव और रमा दोनों को पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। गिरफ्तार क्यों? सरकार का कर्ज ना चुकाने के लिए। क्या आप मुझे चावड़ी का रास्ता बताएंगे? चलिए मेरे साथ, मैं वही जा रहा हूँ। जी। साई को दोष मत दीजिए, उन्होंने मुझे नहीं उकसाया था कर्ज लेने के लिए, और ना ही उन्होंने मुझे। चुप। अपराधियों को बोलने की अनुमति नहीं होती है। अपना पक्ष रखने का अवसर तो कानून सबको देता है। यही न्याय का आधार है। लो, ये आ गया टांग अड़ाने। चलो अच्छा हुआ तो स्वयं चलाया। आज सब देखेंगे कि कैसे इसकी हार होती है और ये कुछ नहीं कर पाएगा। कोयले का टुकड़ा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कोयले के टुकड़े का खेत में जाने से क्या संबंध है? मैना, रोज खेत जाते वक्त एक कोयले का टुकड़ा अपने साथ रखता हूं। मैंने बचपन से देखा है, जब भी मैं कोयले का टुकड़ा साथ रखता हूं तो मेरा दिन अच्छा निकलता है। आज घर में कोयला नहीं था, मैंने सोचा शायद साई के पास होगा। तुम सच में ऐसी बातों में विश्वास रखते हो? और तुम जानते हो ना, साई ऐसी बातों के लिए क्या कहते हैं? बल्लभ, मैं अभी कोयला देता हूं।
मतलब? कोयले के टुकड़े को मैंने तावीज में बांध दिया है, ये लो। धन्यवाद साई, अब मैं चलता हूं, देरी हो रही है। राम जी भला करें। बल्लभ, खेत का काम खत्म करके मुझसे मिलते जाना। ठीक है सही। साई, आप तो इन सब चीजों को अंधविश्वास कहते हैं, फिर आपने उसे कोयला क्यों दिया? तजुर्बा श्यामा। गंगाधर काका, हमारे शिरडी में आपका मन जरूर लग जाएगा। वो तो मेरे दिगंबर गुरुजी की मेहरबानी है, तुम्हारे आई बाबा यहाँ होते तो उन्हें उनसे जरूर मिलवाता। वो लौट कर आ जाए तब जरूर मिलवा दीजिएगा। ठीक। क्या हुआ काका? पांव में कंकर लग गया। आप मेरी चप्पल पहन लीजिए। नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है कि मुझे वहाँ नंगे पांव ही जाना है। और कितना दूर है खंडोबा मंदिर? बस अब तो थोड़ी ही दूर है। काका, ये रास्ता भी खंडोबा मंदिर की ओर जाता है और ये रास्ता भी। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो आपको साई दर्शन का लाभ हो सकता है, वो हमारे गुरु हैं। नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, मेरे दिगंबर गुरुजी ने आदेश दिया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।